प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, पिछले व्लॉग में हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ के एक बीच हाउस में रुके थे और उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। तो इस व्लॉग में हम आपको ए टू जेड सब कुछ बताने वाले हैं कि कैसे आप इसे बुक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या आपको बुक करना चाहिए या नहीं, और क्या ये सेफ होता है या नहीं, वो सब कुछ। तो मेहरबानी से ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस बीच हाउस का नाम है ला एग्रो बीच होम्स। गाइस, ला एग्रो की एक और प्रॉपर्टी है, तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। ये बेसिकली कॉटेजेस हैं और यहाँ से बीच हार्डली 2-3 मिनट की वॉक पे है। गाइस, हम गए थे दिसंबर में, इसलिए हमें काफी कॉस्टली पड़ा था, लेकिन अगर आप किसी अलग मंथ में जाते हैं और एडवांस बुकिंग करके जाते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब बजट कैटेगरी में आते हैं। एड्रेस और गूगल मैप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, साथ ही साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनका लेटेस्ट प्राइस जान सकते हैं। वेलकम टू आवर रूम। ये हमारा रूम जिसमें बाकी समय के लिए तैयारियां हो रही है ड्रोन की बैटरी लगा के। रूम छोटा सा है, बेसिक सा है, लेकिन ठीक है, सारी जो जरूरत की चीज है वो है। जैसे कि आपने देखा होगा, इसका लोकेशन ही इतना खूबसूरत है कि बाकी चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। जब आप यहाँ से एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो हमने फिलहाल बैग रख दिया है। यहाँ पे एक कबर्ड है, ओपन कबर्ड है, यहाँ केटल दिया हुआ है, कप है, प्लेट्स है, स्पून्स हैं, और इन्होंने चीनी वगैरह रखी है, कॉफ़ी रखी है, ग्रीन टी रखा है, और ऐसा पानी का 2 बॉटल भी हमें दिया है। यहाँ पे हैंगर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आप कपड़े यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट एसी है, क्योंकि जब आप बीच के पास होते हैं तो सिर्फ फैन से काम नहीं चलता है। और ये बेड है, ये भी काफ़ी बड़ा बेड है। एक्चुअली 2 बेड को जॉइन करके इन्होंने बनाया है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो विंडो है, तो आप रूम से भी बैठ के नज़ारा देख सकते हैं। अभी हमने विंडो क्लोज रखा है, और यहाँ पे एक मिरर है जो वॉल पे हैंग किया हुआ है, एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, साइड टेबल, और एक क्यूट सा फ्रिज है छोटा सा जो चलता है। इसी के साथ अटैच वॉशरूम है जो काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, बेसिक सा सब चीज़ है यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है सोप वगैरह, शैम्पू वगैरह सब दिया हुआ है सैशे में। तो गीजर भी है, तो आपको पानी का भी टेंशन नहीं है, गर्म पानी आ जाएगा। यहाँ पे 2 चेयर लगे हुए हैं, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, एक्चुअली बीच के साइड में आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आप यहाँ बैठ के नज़ारा देख सकते हैं, ये नज़ारा आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। और इसकी बहुत अच्छी सी एक एंट्रेंस है डोर की, जो क्लोज हो जाती है। साथ ही यहाँ पे और भी रूम्स हैं साइड में, यहाँ टोटल 4 रूम्स हैं, और इनके जो केयर टेकर हैं इनके पीछे ही रहते हैं, तो वो भी 24/7 आपको जब भी आपको कुछ चाहिए तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सनबेड लगा हुआ है, और यहाँ पे ग्रीनरी है, कोकोनट्स के पेड़ हैं। तो गोवा का एक्चुअल मज़ा तो अब आ रहा है, क्योंकि ना अब हमें सनबेड के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एंड द बेस्ट पार्ट कि अगर आप बीच में जा रहे हैं स्विमिंग करने वगैरह, आप करके आओ और डायरेक्ट आप अपने रूम में, अपने वॉशरूम में जाके शावर ले सकते हैं। आफ्टरनून में जब आपको रूम में रेस्ट लेना है तो आप इस तरीके से कर्टेन लगा दीजिए, ये पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और रूम एकदम पिंक पिंक हो जाता है, बिल्कुल भी धूप अंदर नहीं आती है, एकदम डार्क हो जाता है। तो आप यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं आफ्टरनून में। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। हमने फर्स्ट ही बुक किया था, लेकिन जैसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखी तो हमने अपग्रेड कराया, तो आप अपग्रेड करा सकते हैं। हमने booking.com से बुक किया था, और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसका पड़ रहा था करीब 4,000 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स, और जैसे हमने इसे अपग्रेड कराया तो इस प्रॉपर्टी का हमें पड़ा कुछ 6,000 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स। ओवरऑल ये बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सा स्टेकेशन है हमारे लिए। गाइस, एंट्रेंस से ही यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बीच हाउस मिल जाएगा, और सिर्फ यही नहीं, पीछे से भी इसका एक रास्ता है, तो यहाँ से भी आप अपनी गाड़ी को लेके आ सकते हैं और सामान यहाँ पे रखवा सकते हैं। रात में आपको बहुत सारी फिशेस ऐसी बाहर देखने को मिलेगी जो समुन्द्र से बीच के ऊपर आ जाती है,
और सिर्फ यही नहीं, इस बीच के ऊपर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप इस तरीके से सी फूड चूज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए और जैसा भी आपको चाहिए वो बनाकर दे देंगे। अब आपको दिखाते हैं रात के नजारे। और बहुत से लोगों के दिल दिमाग में ये ख्याल और ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये जगह सेफ है, तो मैं आपको बता दूं ये 100% सेफ है और इसकी खुशी तो आप मेरे वाइफ के चेहरे पे देख ही सकते हैं। बस एक ही एडवाइस दूंगा कि अगर आप रात में यहाँ पे रुकने वाले हैं तो मेक श्योर आप लाइट्स बंद करके जाएं ताकि कीड़े वगैरह ना आए। सुन के मजा आया? अरे तो फिर बने रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे पैलेलम बीच की नाइट लाइफ, साथ ही साथ नाइट मार्केट्स जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की है, जैसे कि मसाला, सुवीनियर्स, कपड़े, लत्ते, ग्रीन टी, ये टी, वो टी और सब कुछ। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ हम हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत से न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पे भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्लीज अलॉट, बाय।